जब प्रधानमंत्री इस तरह का फैसला ले सकता है इस देश में, इसका मतलब है डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है देश में। इसी देश के अन्नदाताओं को, अन्न पैदा करने वाले किसान और मजदूर को किस तरह से ऐसे रखा जैसे ये एलियन लोग हैं, दूसरे ग्रह के लोग आ गए हैं। वो 6,000 आँखों में धूल झोंकने के लिए हैं। कहीं लाडली बहन स्कीम है, कहीं निःशुल्क राशन है, कोई निःशुल्क राशन वाला भी किसी के बाप का राशन नहीं है देश में। निःशुल्क राशन वाला सोचेगा किसानों को 6,000 रुपये मिले, उन्होंने वोट दे दिया होगा। पुरुष सोचेंगे लाडली बहनों ने वोट दे दिया होगा। कुछ लोग सोच लेंगे माहौल जो बनाया जा रहा है, यार ये तो राम मंदिर के प्रसाद खाने वालों ने वोट दे दिया। ढोंग की इस देश में कोई हवा नहीं। हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्म कांड में हिस्सा लेते हैं, आस्था रखते हैं, मगर आस्था हमें गुलाम नहीं बनाती, ना हम किसी की गुलामी करते, ना हमने करी। स्कीम है वो आर्थिक समानता के लिए नहीं हो रही है, ना आर्थिक न्याय के लिए हो रही है, और ना कोई पॉलिटिकल न्याय के लिए काम हो रहा है। अब देखिए, एक नोटबंदी हुई थी बिना रिजर्व बैंक की सलाह के, एक वो बड़ा फ्रॉड हुआ था देश के साथ अपनी मनमानी करने के लिए, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। बिना उसके एक्सपर्ट लोगों के पूछे, इस देश का बैंक रिजर्व बैंक का जो कंट्रोल करता है सारा मुद्रा को, सारे नोटों को, उसकी भी पूछ नहीं हुई। ये क्लियर है इस देश के सामने, सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो चुकी बातें। जब प्रधानमंत्री इस तरह का फैसला ले सकता है इस देश में, इसका मतलब है डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है देश में। कोई आदमी डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ लोग शासन कर रहे हैं या निरंकुशता से कब्जा किए बैठे हैं देश में। इसी तरह से कहीं किसानों के आंदोलन को 13 महीने लोग मर गए, सैकड़ों लोग मरे, और उन सैकड़ों लोगों के मरने पे किसी एक को राष्ट्रपति का पद फ्री फोकट में मिल जाता है, और उन किसानों के नाम पे जब कानून बनाने की बात हो, कितनी बेइज्जती की उनकी, इतने तो बॉर्डर पर भी किले नहीं गाड़ी गई। इसी देश के अन्नदाताओं को, अन्न पैदा करने वाले किसान और मजदूर को किस तरह से ऐसे रखा जैसे ये एलियन लोग हैं, दूसरे ग्रह के लोग आ गए हैं। इतनी बदसलूकी वो समाज नहीं भूल पाया, पूरा किसान समाज देश का। फिर क्या किया उनको मरहम लगाने के लिए कि भाई 6,000 उनके खाते में भेज दो। वो 6,000 किस लिए भेज रहे हैं? उस 6,000 से कोई किसान वोट नहीं दे रहा, ना देगा फ्यूचर में भी। वो 6,000 आँखों में धूल झोंकने के लिए हैं। कहीं लाडली बहन स्कीम है, कहीं निःशुल्क राशन है, कोई निःशुल्क राशन वाला भी किसी के बाप का राशन नहीं है देश में। जितने लोग अगर भूख में राशन की जरूरत है, तो इसका मतलब असमानता है, कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता है, अपॉर्चुनिटी पे डाका है लोगों की, इसलिए नहीं, वरना सबको हाथ है, सब काम करना चाहते हैं और सब में योग्यता है, पूरे सिटीजन देश के योग्य हैं। ये ड्रामे क्यों हो रहे हैं पता आप लोगों को? ये ना आर्थिक न्याय के लिए है, ये सारा का सारा ड्रामा इसलिए है। ईवीएम रखो, ईवीएम में गड़बड़ करो, फिर क्या होगा? कोई सोचेगा, किसान सोचेगा, फ्री राशन निःशुल्क राशन लेने वालों ने वोट दे दिया होगा। निःशुल्क राशन वाला सोचेगा किसानों को 6,000 रुपये मिले, उन्होंने वोट दे दिया होगा। पुरुष सोचेंगे लाडली बहनों ने वोट दे दिया होगा। कुछ लोग सोच लेंगे माहौल जो बनाया जा रहा है, यार ये तो राम मंदिर के प्रसाद खाने वालों ने वोट दे दिया, इसलिए हवा हो गई, ये फ्रॉड करने जा रहे हैं ये मशीन से। कोई हवा नहीं है, प्रसाद खा के ये लोग, कोई प्रसाद किसी का दिया हुआ प्रसाद खा के उसका गुलाम नहीं होता। कोई 6,000 रुपये ये किसान भीख कभी मांगी नहीं किसानों ने, ये जबरदस्ती दे रहे हैं उनको, भाई 6,000 दे गए। ये सारा का सारा क्या है? चोर रेल के डब्बे में भी ठग लोग क्या करते हैं, प्रसाद में कुछ नशीली चीज़ खिला देते हैं और फिर सामान लूट के ले जाते हैं। ये सामान लूटने का सारा जुगाड़ ईवीएम मशीन है। ईवीएम अगर नहीं हटी तो इसी तरह जैसे सैनिकों की जो हत्या हुई, जो पुलवामा हुआ, जिसमें स्पष्ट अब कहा जा रहा है, जिसकी जांच तक नहीं हुई, देश के सैनिक मर जाते, जांच नहीं हुई और मिनिस्ट्री जांच तक नहीं दे रही, उसका क्लियर कट एक तरह से आरोप नहीं। अब पूरा देश ये समझ रहा है कि वो हत्याएं साजिशन हुई हैं हमारे सैनिकों की, और फिर उस हवा में कि भाई पुलवामा के नाम पर वोट दे दो, वोट मिली नहीं पुलवामा के नाम पर, लोगों को बहम हो गया, लोगों ने सोचा वोट मिली होंगी, तब भी ईवीएम में गड़बड़ की बात है ये सारी की सारी। ये ईवीएम में गड़बड़ करके और ये सोचेंगे भाई राम मंदिर की हवा, कोई हवा हुआ नहीं है, ढोंग की इस देश में कोई हवा नहीं। हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्म कांड में हिस्सा लेते हैं, आस्था रखते हैं, मगर आस्था हमें गुलाम नहीं बनाती, ना हम किसी की गुलामी करते, ना हमने करी। और किसी राम के कहने पे हम जिंदा लोगों के हालात देके वोट करेंगे या किसी पुराने बुजुर्ग के नाम पे, कथा कहानियों के किसी बुजुर्ग के नाम पे, उसके नाम पे वोट करेंगे? कौन इतना मूर्ख है? कोई नहीं है। ये सारा का सारा ढोंग हो रहा है ईवीएम के जरिए गड़बड़ करने के लिए, ताकि लोग नपुंसक हो जाएं, बोल ना पाए। और नेता तो ज़्यादातर नपुंसक हैं, जो नेता किसी न किसी रूप में छोटे मोटे भ्रष्टाचार में शामिल हैं, ईडी और इनकम टैक्स से डर जाते हैं, आज छापा घेरो अगले दिन स्टेटमेंट कुछ और देने लग जाते हैं, चुप हो जाते हैं। बहुत सारे नेता दिन में
अपनी अपनी पार्टियों में, रात को बीजेपी में है। ऐसे नेताओं से पूरे देश की जनता को हम आह्वान रिक्वेस्ट करते हैं, बचना फ्यूचर में वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। और ईवीएम के मुद्दे पे सारा देश एक है और संयुक्त मोर्चा में और भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। देश के वो सारे संगठन जो किसी न किसी रूप से पीड़ित हैं, जो संघर्षरत हैं और जिनको कुचलने की कोशिश आज की सरकार कर रही है, उन सब लोगों से संपर्क हमें खुद करना होगा। क्योंकि अगर हम लोग इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हमारी ड्यूटी है सबसे संपर्क करें, सब साथ आने के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसान मोर्चे हों, चाहे कोई मजदूर मोर्चा हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारियों का मोर्चा हो, सारे के सारे लोग साथ आने के लिए तैयार हैं। इस मुद्दे को जब सारे इकट्ठे होकर लेंगे तो छोटी छोटी चिड़िया भी जैसे जाल लेके शिकारी का उड़ गई, कहानी हम पढ़ते रहे हैं, इसी तरह से होगा। और ये मजबूरन नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधी रात में उठाया जाएगा कि साइन कर दो, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और तब जाके इस देश में बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा।